नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकी राज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सिस बैंक का चेक जो है फिल अप कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चेक है जैसे कि आप को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों चेक जो है वो बेसिकली यूज होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, या फिर आप अपना ही अकाउंट से जो पैसे निकालना चाहते हैं कैश तो उसमें यूज होता है, या फिर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो वो केस में जो है चेक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे डेट भरना होगा। यहाँ पे जैसे कि डेट दिखाई दे रहा है, ये डेट आपको भरना होगा। और ध्यान रहे कि जो आप डेट देते हो वो डेट से लेकर 3 महीने तक का ही आपका चेक जो है वो वैलिड रहता है, उसके बाद जो है चेक इनवैलिड बन जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे वो नाम डालना है जिस बंदे को जो है आप पैसे देना चाहते हो। ठीक है, वो नाम आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, अमाउंट जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक लाइन कर देना है ताकि कोई भी इसे मॉडिफाई ना कर पाए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिजिट पे लिख देना है 1000 रुपीज़। और आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने थोड़ा भी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई बंदा यहाँ पे मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे तो लोग और एक जीरो ऐड कर देगा और जो है लोग जो है इसे मतलब मिस यूज कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, अपना सिग्नेचर, आपका अपना सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप बैंक अकाउंट खोलने वक्त पर आपने साइन किया था, जो बैंक के पास रजिस्टर है वही एग्जैक्ट सिग्नेचर आपको यहाँ पे साइन करना होगा, नहीं तो आपका चेक जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एसी पे ही मैंने यहाँ पे डाला है। दोस्तों आपको ये जो है वो केस में डालना होगा यदि आप किसी को पैसे भेजना चाहते हो और वो बंदा कैश नहीं होके सिर्फ अपना अकाउंट में ही ट्रांसफर कर पाए, तो वो केस में ही आपको ये एसी पे ही डालना है, वरना आपको ये नहीं डालना है। ठीक है, और वो बंदा जो है कैश विड्रॉ कर पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप आसानी के साथ चेक को जो है फिलअप कर सकते हो, सिंपल सा है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय, टेक केयर।